तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो, जेई मेंस में आया हुआ है, तो इसमें कुछ है नहीं। इसमें कहते हैं कि ये बेसिकली, वैसे तो ये ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है, पर आप यही 1D में आ गया तो चलो कर ही लेते हैं। अर्थ के सरफेस है, अर्थ है, अर्थ है, अर्थ का मास m है और अर्थ की रेडियस r है, और अर्थ के सरफेस पे मैं यहाँ टॉप से ये जो हाइट है, दैट इज हाइट h, दैट h इज इक्वल टू r, यहाँ से अगर किसी पार्टिकल को गिराता हूँ तो ग्राउंड पे जाके हिट करेगा, तो ग्राउंड पे जाके हिट करेगा यहाँ से, तो ये वाली चीज़। तो अगर यहाँ इनिशियल वेलोसिटी u0 है और ग्राउंड से जाके अगर हिट करेगा, तो ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, तो दोनों पे मैकेनिकल एनर्जी, इनिशियल पर मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी फाइनल पे बराबर होना चाहिए यार, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट जब ड्रॉ किए हो तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ तुम देखोगे काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया, पोटेंशियल एनर्जी जो है फर्स्ट पॉइंट पे माइनस हाफ जी मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द बॉडी और आर प्लस एच के इक्वल हो जाएगा, और जब टू जस्ट टच करने वाला होगा तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी स्मॉल एम एम और आर के इक्वल हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस जी एम ओवर 2 आर आ जाएगा, एच आर के बराबर है, और ये प्लस जी एम ओवर आर आ जाएगा और इधर आ जाएगा बी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो जब इसको तुम सॉल्व करोगे टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा जी एम ओवर 2 आर, और यहाँ से आ जाएगा बी स्क्वायर ओवर 2, और हमें पता है स्मॉल जी की वैल्यू जी एम ओवर आर स्क्वायर के इक्वल होती है, तो जी एम की वैल्यू जी आर स्क्वायर ओवर आर, और यह आ जाएगा बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू आ जाएगी जी आर अंडर रूट। तो फाइनली जो बी की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी देखो जी आर अंडर रूट ये वाला, तो दिस इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, जी आर अंडर रूट, दैट इज सेकेंड ऑप्शन इसका सही है। तो आई होप ये बेहतर तरीके से समझ में आ गया, कुल मिला के ग्रेविटेशन का था।